बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने मासूम को रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। घर के सामने खेल रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने रौंद दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक घटना को अंजाम देने के बाद कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी आपको बताते चले, पूरी घटना श्रावस्ती जिले के मल्लीपुर थाना क्षेत्र के बाबागंज मल्लीपुर मार्ग पर स्थित चिंता चौराहे की है, जहां पर घर के बाहर खेल रही 7 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी थाना मल्लीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनोरिया दीवान निवासी रहीम की 7 वर्षीय पुत्री सीबा अपने नाना लेंगड़े पुत्र ननकू निवासी ग्राम पंचायत चमरनपुरवा के मजरा चिंता चौराहे के पास 2 दिन पूर्व गई थी और वहीं रह रही थी। आज मासूम सीबा घर के पास खेल रही थी, तभी बाबागंज मल्लीपुर मार्ग पर आ रही एक तेज रफ्तार जैलो कार UP40EH8711 ने मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मासूम की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि वाहन चालक घटना के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मल्लीपुर थाना अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामद कार को कब्जे में ले लिया गया है, जल्द ही आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।